अपना अपना स्कोर बताओ एक बार, कितना कितना स्कोर आ रहा है? काउंसलिंग इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसमें, देखना क्या रैंक आ रहे हैं और लास्ट ईयर के ट्रेंड क्या रहे हैं, कौन से कॉलेजेस मिल जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कम स्कोर करके ज्यादा कॉलेज अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं और अच्छा स्कोर करके उतने अच्छे कॉलेज नहीं जा पाते। और जो भी तुम लोग को फ्यूचर में भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो मेंटर्स तुम्हारे साथ है। मेंटर्स इज योर फैमिली, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, मेंटर्स बच्चों से ही बना है। तो तुम बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है और लंबी लड़ाई लड़ी है तुम लोगों ने, मेरे ख्याल से कुछ ने 2 साल, कुछ ने 3 साल, कुछ ने 4 साल भी किया होगा। तो अब ये जो एग्जाम खत्म हुआ कल, तुम्हारा अब कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे? टेंशन फ्री हुए कि नहीं? थोड़ा टेंशन तो फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया। तुम बताओ जी। नहीं, अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर तो मिला, मतलब अब लग रहा है कि हां अब तक मस्ती से आराम से गेम खेल सकते हैं, हमें रिलैक्स फील हो रहा है, रिलैक्स फील, अच्छा लग रहा है, पेपर खत्म हो गया, रिलैक्स फील हो रहा है। जैसे जो तुम लोगों ने अभी आंसर की मेंटर्स का भी देखा होगा, हमने यूट्यूब पे लाइव सॉल्यूशन भी किया है, तो ओवरऑल देखे एक आइडिया तो लगी क्या था कितना स्कोर आ रहा है रफली? यस, तो अपना अपना स्कोर बताओ एक बार, कितना कितना स्कोर आ रहा है? 695 भी आ रहा है। yes, क्या नाम है? संजीव। संजीव वो कहाँ है? और फिर आगे के लिए लगो, अब जो भी तुम्हारा एम्बिशन है। और काउंसलिंग इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसमें, देखना क्या रैंक आ रहा है, लास्ट ईयर के ट्रेंड क्या रहे हैं, कौन से कॉलेजेस मिल जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कम स्कोर करके ज्यादा कॉलेज अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं और अच्छा स्कोर करके उतने अच्छे कॉलेज नहीं जा पाते। तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारे लिए। तो रैंक आ जाए एक बार, फिर काउंसलिंग में लगो और फिर देखो कि तुम्हें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है एज पर योर रैंक। और जिस तरह का नीट का पेपर था, थोड़ा उसके बारे में बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी में कौन सा पेपर आसान लगा तुम लोग के लिए? सबके लिए जैसा ही आसान ही होगा, तुम्हें कौन सा आसान लगा? केमिस्ट्री और जूलॉजी। केमिस्ट्री और जूलॉजी आसान था लास्ट ईयर और जूलॉजी में। केमिस्ट्री और जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा पूरा। यस सर, केमिस्ट्री आसान था, फिजिक्स ही थोड़ा। तो अभी ठीक है, तुम लोग का जो भी हुआ अब मेहनत तुम्हारी रंग लाई है, मतलब तुम डॉक्टर बन जा रहे हो, ये अच्छी चीज है। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करो जो तुम्हें मेंटर्स में अच्छा लगा रिगार्डिंग योर टीचर, रिगार्डिंग योर स्टडी मटेरियल या टेस्ट जो तुमने दिया, या जो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल का, वो बताओ। यहाँ पे टेस्ट सीरीज काफी अच्छा है और काफी फ्रिक्वेंटली लिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग काफी वो हो जाते हैं एग्जाम के एनवायरमेंट में, कैसे पेपर रिएक्ट करना है, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, वो काफी अच्छे से मेंटर्स में मिला वो एक्सपोजर, और काफी एनवायरमेंट भी काफी अच्छा। तो हॉस्टल में थे? हाँ, हॉस्टल भी अच्छा है। जब वैरायटी का टाइप चेंज हो करते हैं ना पेपर का, जब अलग अलग टाइप वैरायटी का पेपर देते हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है कि जो है हम कैसा एग्जाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जाम में जाते हैं तो प्रेशर कम लगता है, लगता है कि हम सारा चीज़ पहले कर चुके हैं और हम फिर यहाँ हॉस्टल में भी रहे तो वहाँ फैसिलिटी भी अच्छी मिली,
मेरे ख्याल से जो तुम लोग का नीट एग्जाम उसमें फ्रीक्वेंट टेस्ट और उसकी प्रॉपर एनालिसिस और डिस्कशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनके बीच आपस में कॉम्पिटिशन हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। तो कभी कॉम्पिटिशन में ऐसा भी हुआ कि किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं? जब तुम प्रिपरेशन करते हो, खासकर जब लास्ट फेज में आ जाते हो, जब तुम्हारी तैयारी एक बार पूरी हो जाती है, उसके बाद ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो पीयर लर्निंग होता है आपस में, जो फ्रेंड्स जो डिस्कस करते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। और एक साथ तुम लोग को रखने का या एक हॉस्टल में रखने का उसका पर्पस वो भी है कि तुम लोग की पीयर लर्निंग बेटर हो और तुम लोग ज्यादा बेहतर कर पाओ उसमें। मेरे ख्याल से उसका भी फायदा तुम लोग को मिला होगा। भगवान ना करे हम कभी बीमार पड़े तो वैसे केस में फ्री इलाज तो हो जाएगा तुमसे। चलो, तो जो भी कॉलेज मिलता है स्टे इन टच, और जो भी तुम लोग को फ्यूचर में भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो मेंटर्स तुम्हारे साथ है। मेंटर्स इज योर फैमिली, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। मेंटर्स बच्चों से ही बना है और तुम्हारे ही रिजल्ट से, तुम्हारे ही ट्रस्ट से और तुम्हारे ही जो ऑब्जर्वेशन या फीडबैक तुम लोगों से मिलता है उसी से मेंटर्स इंप्रूव हो रहे हैं और आगे और अच्छे रिजल्ट करेंगे हम लोग। तुम्हारे जो भाई बहन है वो कभी यहाँ पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, हमारे डायरेक्टर सर हो गए और जो टीचर हो गया, फिर टेस्ट का इतना सारा कलेक्शन, ढेर सारा टेस्ट पे टेस्ट लेते रहना, ये लोग बहुत ज़्यादा मदद किया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मतलब आनंद सर को स्पेशली थैंक यू। पहली बात तो मेंटर में सोचे नहीं थे आप आएंगे, मतलब लेकिन सर ने एकदम फ्री मतलब खाना पीना रहे, मतलब कि सर ने रहने दिया सर हम इधर, और स्पेशली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया सर ने, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने दिया और बहुत अच्छा रहा सर। जो तुम्हारा हेयर स्टाइल है वो कोई तुमने प्रण लिया था कि मेरा बीच में अच्छा स्कोर आएगा तब कटा हुआ कि ये स्टाइल है तुम्हारा? तो स्टाइल ही है सर एक तरह से। तो डॉक्टर जैसे ही कम स्टाइल मारते हैं, इंजीनियर ज्यादा स्टाइल मारते हैं सर। मतलब सोच लिए एक बार, देखते हैं बाल बढ़ा के कैसा लगता है, बाल छोटा भी फिर देख लेंगे कैसा लग रहा है, जैसा अच्छा लगेगा मतलब चेंज करते रहेंगे लुक। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। आप सर, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बातों को समझने के लिए और जो अभी हम सब ने बोला है उन पे मतलब पूरा सुनने के लिए और उनका आगे हल निकालने के लिए, इस सब के लिए थैंक यू। और जो भी हम सब के लिए किए हैं, इतना टेस्ट कंडक्ट किए हैं और जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए, सब के लिए थैंक्स। इलाज करेगा ना? जरूर, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इलाज का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना पेपर लेने के लिए। हम लोग आप ही से मोटिवेट हुए थे कि हम लोग भी जो है थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो कंपटीटिव इन्वायरमेंट से नंबर का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ, वरना अगर हम कहीं और होते तो शायद इतना नंबर नहीं ला पाते। तो इसके लिए अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन या मानना है कि एक इन्वायरमेंट तुम लोग को दिया जाता है, लेकिन तुम लोग की जो कड़ी मेहनत है, जो मैं देख रहा था या जो ऑब्जर्व किया मैंने, वही है जिसकी वजह से तुम लोग इतना अच्छा कर पाए हो। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेंटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 50% है, तुम्हारा उससे ज़्यादा ही परसेंटेज तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन का। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, तुम आगे बहुत अच्छा करो, और ऐसे मेहनत तो करना पड़ेगा, और ऐसे मेडिसिन फील्ड जो है या डॉक्टर वाला जो पेशा है वो मेहनत का खेल जिंदगी भर का है। इंजीनियर वाले थोड़ा मस्ती कर भी लेते हैं, डॉक्टर को तो लगे रहना पड़ता है, तो ये हैबिट तुम्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर सपोर्ट, और मेंटर्स का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है।
और जो यहाँ का टेस्ट लेने का जो पैटर्न है वो काफ़ी काफ़ी बेटर है, मतलब ये आपको पूरी तरह से तैयार कर देता है नीट के लिए. तो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड स्पेशल थैंक्स फॉर द सैंडविच. सात आठ लोग बैठे हो यहाँ पे, कितने बच्चे तुम्हें से ऐसे हैं जिसको कि मेंटर्स ने फ्री एजुकेशन दिया? ये फ्री सबको मिला, कोडिंग का तो नहीं मिला है सबको, तो ये जो फ्री एजुकेशन का से कितना फायदा हुआ तुम लोग को, फ्री रहना खाना? बहुत फायदा हुआ सर, मतलब पैसेस नहीं है, पैसा ड्रॉप करने का सर फर्क पता ना चला. और कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते सर कहीं भी तो कम से कम अच्छा सा फीस लगता और रहना खाना अलग, मतलब पेरेंट भी प्रेशर कम पड़ा कि ऐसा लगा कि कॉलेज में ऑलरेडी चले गए, उनको ऐसा लग रहा था कि कॉलेज भी जाते तो वहाँ भी पैसा देना ही, उससे ज्यादा ही लगता है यहाँ से, मतलब मतलब रहा तो कि मतलब अगर नीट नहीं निकला तो कम से कम ऐसा स्पेस तो मिला के आराम से खा सकते हैं, मेहनत कर भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, बढ़िया से रह सकते हैं, तो इससे स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता तो पढ़ाई ठीक ठाक होता है. यही बोलेंगे कि ईस्ट एंड वेस्ट मेंटर इज बेस्ट, आप प्रोवाइड करते रहिएगा तो बच्चा बच्चे को बहुत मेहनत मिलता है. इसमें मेन ये होता है कि मैंने भी जब तैयारी की तो ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करते हुए बड़ा गिल्ट फील होता है, ये मम्मी का एक बार पैसा उतना लगाए और फिर से उनको पैसा मांग रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर खाने पीने के लिए, तो वो एक जो शर्मिंदगी बोल सकते हो उससे बच गया तुम लोग और अच्छे से पढ़ाई के. मेरे ख्याल से हम लोग भी काफी गर्वान्वित हैं तुम लोग के परफॉर्मेंस से और माता पिता भी बहुत गर्वान्वित होंगे. मतलब हम तो ऐसा जगह खोज रहे थे जहाँ पे 4,000 में खाना पीना भी मिल जाए, टीचर भी मिल जाए, रह भी जाए, तो मैंने सारा चीज़ प्रोवाइड किया, तो उसके लिए अगेन थैंक यू सर. हाँ, पेपर भी फ्री में सारा, टेस्ट सीरीज हुआ, इतना पेपर भी हुआ और बहुत सारा, मतलब हाँ, और बहुत सारा PDF निकलवाए तो वो भी फ्री में निकला गया, नहीं तो बाहर निकलवाते तो उसका पैसा भी लगता. हाँ, सेंटर तक भी पहुँचाने की व्यवस्था रखी. चलो, यू ऑल पीपल आर बेस्ट, है ना, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड कीप रॉकिंग एंड कीप डूइंग वेल इन योर लाइफ. थैंक यू सर.